हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम नीट बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर करें इन जस्ट 30 डेज, और कैसे हम 320+ ला सकते हैं इस बायोलॉजी के एग्जाम में। जो टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, पहले तो हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे एग्जाम पैटर्न का बायोलॉजी पे, फिर हम वो देखेंगे कि कौन से टॉपिक ज्यादा फोकस करने चाहिए फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर एनालिटिक्स, फिर प्लान करेंगे एक्चुअल एग्जाम सिचुएशन के बेसिस पे, कंक्लूजन और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, गोल्डन रूल और एग्जाम प्रिपरेशन के टिप्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस वीडियो का सफर शुरू करते हैं। अगर एग्जाम पैटर्न के बात करें तो बायोलॉजी में अराउंड 90 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि दो पार्ट्स में होते हैं। 45 क्वेश्चन बॉटनी में होते हैं एंड 45 क्वेश्चन जूलॉजी में होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो अराउंड 360 मार्क्स का टोटल पेपर बायोलॉजी सेक्शन का होता है। टॉपिक जो कि ज्यादा फोकस करना है हमें, पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अराउंड 12 टू 13 क्वेश्चन इस टॉपिक से हर साल पूछे जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल की बात करें इस टॉपिक के, तो 10% की है, यानी कोई भी कैंडिडेट इजिली 11 टू 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। इस टॉपिक के अंदर दो चैप्टर इंक्लूडेड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, जिससे अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दूसरा है एनिमल किंगडम, जिससे अराउंड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक के। दूसरा टॉपिक जो है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें अराउंड 11 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। यानी इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 10% की है, यानी कोई भी कैंडिडेट 10 क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकता है। और इसके अंदर तीन चैप्टर्स है इस टॉपिक के अंदर। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहां से 3 क्वेश्चंस आते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। एंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जहां से 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड टॉपिक है रिप्रोडक्शन, अबाउट 9 to 10 क्वेश्चंस हर साल यहां से आते हैं। और जो इसकी जो डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन चैप्टर की, तो वह है 5% की, यानी इजिली आप यहां से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 9 to 10 क्वेश्चंस। और इसके अंदर तीन चैप्टर इंक्लूडेड है इस टॉपिक में। पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जहां से 1 क्वेश्चन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जहां से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ, जहां से 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ टॉपिक जो है वो है इकोलॉजी, अबाउट 8 क्वेश्चन हर साल यहाँ से आते हैं। डिफिकल्टी लेवल की बात करें इसका, तो 5% का है, और इजिली आप यहाँ से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर अगेन 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड है इस टॉपिक के अंदर। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जो कि अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इकोसिस्टम से 2 क्वेश्चन आते हैं। एंड पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट में अराउंड 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। फिफ्थ टॉपिक की बात करें तो वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, अबाउट 7 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं हर साल। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 5% के है, यानी कैंडिडेट इजिली 7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है यहां से। अगेन इसमें 3 चैप्टर इंक्लूडेड है इस टॉपिक में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो है 4। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है 2। स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग फूड, यहाँ से 1 क्वेश्चन आता है। सिक्स टॉपिक जो है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अबाउट 9 to 10 क्वेश्चन हर साल यहाँ से पूछे जाते हैं। यानी और इसकी डिफिकल्टी लेवल होती है इस टॉपिक की 10% की, यानी यहाँ से कैंडिडेट इजिली 9 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ये टॉपिक तीन यूनिट चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहला है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4। सेल साइकिल एंड डिवीजन वाला जो चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है, वहां से 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 7th टॉपिक है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, अराउंड 14 टू 15 क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है जूलॉजी से, वो यहाँ से पूछा जाता है। 14 टू 15 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 10% की है, यानी 13 टू 14 क्वेश्चन आप इस टॉपिक से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। अराउंड इस टॉपिक में अराउंड 5 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहाँ से अराउंड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सक्रीशन के टॉपिक से अराउंड 2 क्वेश्चन आते हैं। लोकोमोशन एंड बॉडी फ्लूइड्स का जो चैप्टर है, वहां से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसका एनालिसिस जो है वो लास्ट 5 ईयर के हिसाब से है। 8 टॉपिक की अगर बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी, अबाउट 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल इस टॉपिक से। इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 10% की है, यानी कैंडिडेट यहाँ से 7 क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकता है।
इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर चार चैप्टर्स है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जहां से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, जहां से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां से 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं। रेस्पिरेशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन, इन दोनों के चैप्टर को कंबाइन करके 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। 9th टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, अबाउट 8 to 9 क्वेश्चन हर साल इस यहाँ से आता है। इसकी डिफिकल्टी लेवल अराउंड 5% की है, तो कैंडिडेट इजिली 7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस टॉपिक में 3 चैप्टर इंक्लूडेड है। पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ से 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी अराउंड 50% का इस टॉपिक का वेटेज इस चैप्टर से है। दूसरा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जहाँ से अराउंड 1 क्वेश्चन आते हैं, और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से अराउंड 3 क्वेश्चन आते हैं। 10th जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी, अराउंड 1 to 2 क्वेश्चन आता है हर साल, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है और इजीली हो भी जाएगा, इसकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो पहले जो हमने टॉपिक जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए नंबर ऑफ डेज अलॉट किए हैं 4 डेज, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा चैप्टर थे इसमें। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए अलॉट किए हैं 4 डेज। जेनेटिक्स एंड इवेल्युएशन, इसके लिए अलॉट किया है 3 डेज। रिप्रोडक्शन के लिए अलॉट किया गया है 3 डेज। इकोलॉजी के लिए अलॉट हुआ किया है हमने 3 डेज। आप अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं नंबर ऑफ डेज को अलॉट को, अगर आपको कोई चैप्टर ढंग से आता है या आपको वो चैप्टर इजी लगता है तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए अलॉट किया है 3 डेज। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और पार्ट ज्यादा था इसका, इसमें चैप्टर ज्यादा है, इसलिए इसके लिए नंबर ऑफ डेज अलॉट किए हैं 4। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल के लिए अलॉट किए हैं 3 डेज। बायोटेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन है 1 या 2 पूछा जाता है और सबसे इजीएस्ट चैप्टर, इसलिए नंबर ऑफ डेज अलॉट किए हैं 1। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के लिए नंबर ऑफ डेज अलॉट किए हैं 2। कंक्लूजन अगर देखें इसका तो इन 10 टॉपिक्स में और उनके जो सब टॉपिक्स है अराउंड 90 क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछा जाता है, यानी पूरा का पूरा बायोलॉजी का पेपर। और कैंडिडेट 80 टू 85 क्वेश्चन सही कर सकता है यहाँ से, यानी वो 320 टू 340 प्लस मार्क्स ला सकता है। गोल्डन रूल की अगर बात करें तो गोल्डन रूल यही है कि आप लास्ट 5 ईयर के जितने भी जो भी टॉपिक करें आप उस पर क्वेश्चन करिएगा, और हर दिन 4 to 5 hours आपको डिवोट करने हैं लास्ट 30 डेज में बायोलॉजी के लिए। टिप्स ये है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है या कॉन्सेप्ट है या एक टाइप के पैकुलर प्रॉब्लम जो आपको दिख रहे हैं उसको आप एक पेपर पे लिख लीजिएगा, और जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर सकते हैं करिए, और एग्जाम के टाइम पे आप पहले बायोलॉजी के पूरे पेपर को एनालाइज करिएगा और सिलेक्ट करिएगा उन क्वेश्चंस को जो कि टफेस्ट हो, जो 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, और उसको मत करिएगा या उसे छोड़ दीजिएगा, और अपने क्वेश्चन को ज्यादा टाइम उन पे अलॉट करना है जिसका कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर है या ज्यादा स्ट्रांग है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड फैमिली मेंबर के साथ। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉलेज ऑप्शन को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।